ओ नो, वो लोग नहीं तो। ठीक है। गॉड, 10th नंबर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से करने वाली हूँ एक फूड चैलेंज गाइस, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर श्योर। ऑल्सो मैंने आप सबके लिए आगे गिव अवे भी रखा है, सो स्टे ट्यून्ड, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। आई नो कि 200 के होकर मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के ऊपर हो गए हैं, बट क्योंकि मैं ही बहुत ऑन एंड ऑफ वीडियोस बना रही हूँ, मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब के साथ फिलहाल के लिए। फाइनली गाइज, आज मैं आप सबके सामने 200 के गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, सो यस, आई एम श्योर आप सबको पता चल गया होगा कि मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ, बट स्टिल विल डू द फॉर्मैलिटी। सो मैं करने वाली हूँ लेटिंग गूगल डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर 24 आवर्स। यस गाइज, आज गूगल डिसाइड करने वाला है कि मैं आज पूरे दिन के लिए क्या खाने वाली हूँ। सो यस, ये बड़ा ही मजेदार और सस्पेंस भरा चैलेंज है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि आज मैं पूरे दिन क्या खाने वाली हूँ। अदरवाइज पता होता कि पनीर फॉर 24 आवर्स या फिर चीज फॉर 24 आवर्स, बट दिस इज डिफरेंट। सो यस, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार जल्दी जल्दी, लेट्स डू 300K एंड लेट्स बी इन दिस रैट रेस, सबके साथ हम भी भाग दौड़ मचाते हैं। ऑल्सो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को यमी यमी थम्स अप देना, एंड यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइस, सो रूल्स आर प्रीटी सिंपल। सो मेरे पास यहाँ पर चेक है जहाँ पर मैंने सब ब्रांड आउटलेट होते हैं, जैसे मैकडी हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग, सबवे, ऐसे बहुत सारे जो मुंबई में फेमस आउटलेट्स हैं, मैंने उनके चिट्स बनाकर रखे हैं। ये तो वही हो गया ना, जितने का मुर्गी नहीं उतना मसाला, कहते ना जितना चिट्स नहीं उतना बड़ा, तो ये डब्बा है। आई एम श्योर आप सब चिट्स देख सकते हो। इसमें 8 आउटलेट के नेम हैं, बिकॉज पूरे दिन के लिए आई थिंक 8 इज इनफ फॉर मी, मे बी उतना भी ना लगे। सो मैं एक चिट उठाऊंगी एंड देन उसके बाद हम गूगल पर जाएंगे एंड वील सर्च, फॉर एग्जाम्पल हमें आते हैं मैकडी, सो वील सर्च मैकडी फूड। नेक्स्ट हम इमेजेस में जाएंगे गूगल पर एंड उसके बाद हम स्पिन द व्हील करने वाले हैं। आप देख सकते हो मेरा व्हील कितना ज्यादा क्यूट है। तो यस, उसके बाद हम स्पिन द व्हील करेंगे और जो भी नंबर आएगा स्पिन द व्हील पर, वो नंबर ऑफ इमेज, जो भी उस नंबर पर इमेज होगा, मुझे वो ऑर्डर करना होगा और वो खाना होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, बट बहुत चीज़ों के लिए नर्वस भी हूँ, तो हम वो बाद में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। एंड या गाइस, सुपर एक्साइटेड। सो चलो मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए चिट चूज करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी बिकॉज रेडी हुई हूँ, सेटअप आप देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल सा आज घर में मैंने बनाया है। सो यस, सो लेट्स पिक आवर फर्स्ट चिट। सो हियर वी गो, दिस वन। ओह माय गॉड, आई होप मॉर्निंग में कुछ अच्छा मिले। फर्स्ट इज KFC। मुझे KFC से ऑर्डर करना होगा। आई वॉज विशिंग कि कुछ यम्मी सा सबवे टाइप्स अगर मिल जाता तो मे बी मॉर्निंग ज्यादा ही बेटर होता, बट KFC के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूंगी, नेवर, नो नो। सो लेट्स डू इट। तो गाइज, KFC आ गया, सो लेट्स गो ऑन गूगल एंड लेट्स सर्च फॉर KFC फूड, जो कि मैंने ऑलरेडी सुबह करके एक बार एग्जाम्पल ये लोग को दिया था। विल गो ऑन इमेजेस एंड माई क्यू टू ओरियो इज हियर। सो अब इमेजेस पे आने के बाद अब हम जाएंगे स्पिन द व्हील पर। योर विल गो ऑन नंबर, ये थोड़ा सा उल्टा है बट या, अब हम स्पिन करने वाले व्हील को। ठीक है। गॉड, 10th नंबर, सो वी हैव टू गो ऑन 10th इमेज। 1, 2, 3, 4, 5, थैंक गॉड ये पास हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, woohoo! Let's see what we have on 10th. Okay, so I think these are wings. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। Oreo का। So yes, guys, ये है chicken wings. So let's order it. So guys, breakfast मैंने order कर लिया है। मैं तो इतनी डरी हुई थी कि अगर वो पूरा image आ जाता बड़ा वाला, तब तो मुझे वही order करना पड़ता। सो आई थिंक मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, बिकॉज बेल बजा, सो मैंने वैसे ही कैमरा ऑन कर लिया। ये गाइस, थैंक यू अयान, लाइक अयान इज नॉट द डिलीवरी बॉय, वो सिर्फ हॉल से रूम में आए हैं। सो हियर इज आवर चिकन विंग्स गाइस, लाइक हाँ दिखने में तो बड़ा छोटा सा यार, मेरे से ज्यादा तो ओरियो एक्साइटेड है, जस्ट लुक एट इट, सी सी सी, अभी तक खा ही नहीं हूँ, रुक जा। सो अगर इमेज के सिमिलर मुझे करना होगा तो ये विंग्स को ऊपर रखना होगा डेफिनेटली, वहां पर भी ऐसे था तो मैंने रख के संभव मैनेज किया है। अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ।
सुबह KFC किसको नहीं पसंद है, एवरीबडी वुड लव इट राइट। आयान के साथ भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, फूड इज लाइफ। गाइस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो बड़ा ही मजेदार था, अब है मेरी लंच की बारी। सो आयान लंच में क्या आना चाहिए? माय गॉड, लंच के लिए आए हैं बेल्जियन वॉफल्स। बहुत दिन से मैंने एक्चुअली वॉफल्स नहीं खाई हूँ एंड यस, सो चलो अब देखते हैं बेल्जियन वॉफल्स में क्या मिलता है, बिकॉज उसमें भी काफी वेराइटीज होते हैं, जैसे पैनकेक्स होते हैं, वॉफल्स होते हैं। सो गाइज लेट्स सर्च फॉर बेल्जियन वॉफल्स। बेल्जियन आ गया था ना वॉफल। वाओ माय गॉड आई लव इट मैन। अगर ये आ गया तो आप भी बोलिए आ गया तो मजा आएगा। अगर ये आ गया तो क्या मुझे सब ऑर्डर करना पड़ेगा? हाँ। अरे बाप रे बाप। सो नाउ लेट्स गो ऑन स्पिन द व्हील। गॉड प्लीज यार कुछ अच्छा ही है। ओ नो, मैंने तो इमेज भी नहीं देखा। 13 ये कौन सा है? I don't know. ये है ही नहीं, बाहर देश का है। स्ट्रॉबेरी क्या बेल्जियन वॉफल ऐसा मिलता है या कुछ भी? I don't know. सो मुझे बहुत ही सिमिलर एक मिला है, दैट इज स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज वॉफल, तो मैं वही ऑर्डर कर लेती हूँ। एंड वॉफल थोड़ा सा हेवी भी होता है, सो आई एम श्योर मेरा पेट तो भर जाएगा, इसका पता नहीं। सो यस गाइस, जब तक मेरा लंच नहीं आ जाता मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देती हूँ। सो ये जो गिव अवे है दैट इज फॉर लवली 200K ब्यूटिफुल अमेजिंग यूट्यूब फैमिली गाइस। सो थैंक यू सो मच, सबसे पहले आप सबने सब्सक्राइब किया और आप सब मुझे इतना प्यार देते रहते हो हमेशा। ऑल्सो दिस गिव अवे इज इन कोलैबोरेशन विद गिफ्ट हब, शी मेक्स अमेजिंग गिफ्ट्स गाइस, बहुत ही अमेजिंग। शी हैज मेड फॉर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स और इस बार उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया है फॉर दिस अमेजिंग 200K गिव अवे। तो यस मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 200 के गिव अवे में क्या क्या मिलेगा। तो आपको बहुत ही अमेजिंग नेकलेस मिलेगा, इयररिंग्स मिलेगा एंड आपके नाम का जो भी विनर होंगे उनके नाम का पर्सनलाइज्ड आपको एक्रिलिक सर्कलेट मिलने वाला है। बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूरेट किया है उन्होंने 3 boxes। सो यस गाइस टोटल होने वाले हैं 3 winners एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड नॉट जस्ट दैट गाइस, जो भी 3 winners होंगे उसके अलावा 5 और winners जो भी फर्स्ट ऑर्डर करेंगे उनके पेज पर जाके 5 लोगों को वो 10% डिस्काउंट देने वाली हैं अबव ऑर्डर्स 500, विच इज अमेजिंग गाइस। लाइक आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा, शी मेक्स अमेजिंग गिफ्ट्स गाइस। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या फिर आप खुद के लिए ऑर्डर करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। और ये जो आप पीछे बैकग्राउंड पर ये फोटोज देख सकते हो, फोम फोटोज बोलते हैं इसे, ये भी उनकी तरफ से ही था, बहुत पहले मैंने इनका वीडियो भी बनाया था। सो यस गाइस रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी नॉर्मल रूल्स। फर्स्ट यू हैव टू बी माई सब्सक्राइबर, बेसिक रूल। सेकेंड यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो गिफ्ट हब पेज ऑन इंस्टाग्राम, सो सब लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको दोनों पेज को फॉलो करना है। सो जब हम विनर्स चूज करेंगे वी विल मेक श्योर दैट आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर रहे हो, एंड आजकल तो सारे इंस्टाग्राम पर होते हैं। और ये रूल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका जो स्टोर है वो इंस्टाग्राम पर है, दैट्स वाई। और जो थर्ड रूल है दैट इज वो एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट करेंगे, उसे आपको शेयर करके आपके अपने कुछ फ्रेंड्स को टैग करना है, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही करना है गाइज, एंड आपको आपके वीडियो के नीचे डन लिख देना है। सो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, एंड आपको हैशटैग यूज करना है SagerXGiftHub01, तो मुझे पता चलेगा कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट किए हो। और गिव अवे कब एंड होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस गाइस सारे रूल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक इट आउट एंड प्लीज फॉलो इट। सो गाइस माय लंच इज हियर। सुबह थोड़ा स्पाइसी लाइक थोड़ा सा वैसे हुआ, सॉल्टी में हुआ, तो अब मैं थोड़ा सा स्वीट में खाना मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड इट विल बी फिलिंग एज वेल। ओके तो ये वॉफल्स में स्ट्रॉबेरी तो है बट वो लोगों ने अंदर फिल कर दिया है और डिलीवरी में ये पूरा ही मेसी हो गया है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मेसी कितना ज्यादा। सो यूजुअली आई प्ले सेफ, मैं सिर्फ चॉकलेट ओवरलोडेड वगैरह ये सब ऑर्डर करती हूँ, बट इट्स टाइम टू टेस्ट आवर स्ट्रॉबेरी वॉफल्स। कैसा
नॉट सो गुड. इतना कड़वा क्यों लग रहा है? मीन पहली बार मुझे वॉफल्स नहीं पसंद आ रहा. नहीं भर गया अब तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा. बस बस ज्यादा मत भरो. सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम होम. यस मैं घर पर गई थी. मॉम आंटी सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने घर पर. और इतना ज्यादा नींद आ रहा था. इतने पैसे वैसे खर्च करने के बाद तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि ऐसे होता ना कि घोड़े बेच कर सो जाना. तो मेरा वैसे ही था कि मैं सो गई और ये भी बहुत अच्छे से सोया. इट्स माई स्नैक्स टाइम. और यस लेट्स हैव सम यमी यमी फूड. सो लेट्स डू इट. अभी फिलहाल आयान भी नहीं है, हनी भी नहीं है, निखिल है बाहर वैसे फूड शेयर करने के लिए अगर कुछ मील टाइप्स आ गया तो. और भगवान करे ना आए यार. आई डोंट वांट टू स्पेंड माय मनी. सबवे तो अच्छा आ गया है एंड फॉर इवनिंग इट्स अमेजिंग. बट देखते हैं कि अब हमें मिलता क्या है गूगल पर जाकर. So let's go on Google. And here we're gonna type, we're gonna say Subway food. Cool images. Wow. Oh my god. So yummy. पहली बार तो मुझे नाम ही नहीं पता इन सबके, but ठीक है we're gonna see. अब चलो देखते हैं स्पिन द व्हील पर. यार ये 18, 19, 20 क्यों आ रहा है स्पिन द व्हील पर? लाइक स्टार्टिंग के भी नंबर्स आ जाएं तो आई डोंट लाइक प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें. स्पिन द व्हील, स्पिन द व्हील. ये देखो 15 से स्टार्ट ही हो रहा है तो मैं क्या ही करूं. ओके फाइव पर. ओ नो क्या है फाइव पर? 1, 2, 3, 4, 5. What is this? Image जो Google ने choose किया है that looks like chicken teriyaki sub. तो मैं उसे ही add करूँगी. 6 inches, yeah. Now choice of bread, I'm gonna choose. I like Pakistan oregano, but for now I'm gonna take Magic Bean Honey Oats bread, chicken, and then choice of preparation is. So yes, guys, my order is here. So देखते हैं snacks में yum yum हमें क्या मिलता है. वाह इसकी जो ये अरोमा है ना मस्त रिफ्रेशिंग और एकदम फ्रेश अरोमा है. ओ नो वो लोग नहीं तो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स गाइस. इमेज के थोड़ी आसपास है एंड यप लेट्स हैव यमी यमी स्नैक्स. किस किस को सब्वे पसंद है गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. One fact about Subway and their eaters is they become messy and Subway is messy guys. Like आप यहाँ से खाओगे तो यहाँ से spill होता है and it's like it's messy. सुबह से ना पी हूँ पानी, ना ही बुझी है मेरी प्यास. So चलो अब पीते हैं पानी. Stop it. Get some help. So guys, it's my dinner time. Yes. और ये लोग भी आ गए हैं. So चलो पहले चिट सेलेक्ट करते हैं. कौन करेगा? नहीं मैं अभी आ रही हूँ. आयान था आपके साथ. नहीं दीदी पर मैं. ठीक है आयान चिट पिक कर लेगा मेरे लिए और मैं पढ़. वाओ कहते हैं ना सोने का कटोरे में दे दो तो इंसान भीख ही मांगता है भाई. निका मैं बोलने वाली थी तू स्पिन कर लेना. सो गाइस हम गूगल पर अब सर्च करने वाले हैं बर्गर किंग फूड.
वाओ माय गॉड हनी स्पिन कौन सा नंबर 20 Oh my God! तीन बर्गर आए इस बार ये हम तीन खाएंगे ना आधा बहुत खुश हो गए आज ना प्राइस 20 पर है तीन बर्गर और मुझे पता भी नहीं कौन से बर्गर एक तो डबल पैटी वाले बर्गर है और एक सिंगल आई थिंक नाचो जैसे क्या है और एक वो रिंग है उसमें मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है सो गाइज माई ऑर्डर इज प्लेस्ड और हमने एक्चुअली बहुत ढूंढा बट सेम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया सो गाइज माय डिनर इज हियर आवर डिनर इज हियर 1 2 3 चलो देखते हैं हमारे बर्गर्स कैसे है बहुत पुचकुस हो गए नहीं पूरा प्रेस हो गया क्योंकि तीन तीन बर्गर्स थे एक के ऊपर एक सो दिस इज हाउ इट लुक मैं तो पहली खाने लगा मेरा वाला तो बहुत ही ज्यादा यम्मी है मजा आ गया हम तो ऐसे बैठे हुए जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना एक हाफ सीट तो ये दोनों फुल सीट है सो यस गाइस बहुत ही यम्मी था हमारा डिनर ये दोनों तो जाके खाने वाले अब मैं सोने वाली हूँ बिकॉज सुबह से लेकर अब तक तो सिर्फ जंक खाया है मैंने सिर्फ बाहर के खाने Also guys, do participate in the giveaway. 200k का giveaway रखा है मैंने बड़ा ही मजेदार है सारे लिंक्स और रूल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज गो हेड एंड चेक इट आउट एंड आई होप फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड यस गाइज कुछ ऐसा था मेरा 24 आवर्स लेटिंग गूगल डिसाइड व्हाट आई ईट एंड बहुत ही मजेदार था यस लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था बजट बट ठीक है मजा आया सो इस वीडियो को कम से कम हम रखते हैं 7,000 लाइक अगेन गाइस 7,000 लाइक जल्दी से 7,000 लाइक आए तो हम लोग बर्गर चैलेंज सो यस गाइस दैट्स इट अबाउट टुडेस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वी ऑल लव यू ऑल सो मच बाय ओरियो मामा चुम्मा